उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सीएजी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। यूपी विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बड़े वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2011 से 2016 के बीच काफी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। पेश की गई रिपोर्ट में कई तथ्य उजागर हुए हैं। शहरी स्थानीय निकायों में भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की कमी का एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। वहीं रोड रजिस्टर, पेमेंट बुक, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड रजिस्टर और वर्क्स रजिस्टर में भी सीएजी ने कई कमियां पाई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 36 शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 636 शहरी निकायों में से 604 निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई सुविधा ही नहीं है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए केवल 4-6% बजट ही आवंटित किया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 4-6% ही धन आवंटित किया जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी 402 यूएलबी में प्रोजेक्ट सैंक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। प्रदेश के 202 पंचायती राज संस्थाओं को सैंपल के रूप में लेकर साल 2011 से 2016 के बीच किए गए ऑडिट में 10 जिला पंचायतों, 26 क्षेत्र पंचायतों और 166 ग्राम पंचायतों में 172.82 करोड़ की धनराशि खर्च ही नहीं की गई है, जबकि पंचायती राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार से 12,765.39 करोड़ और राज्य सरकार से 70,31.94 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी। लेकिन इसमें कई अनियमितता पाई गई। इसके साथ ही टेंडर में भी नियमों का उल्लंघन कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी और जालौन में ठेकेदारों को लाखों रुपए का लाभ दिया गया। जहां भी सैंक्शन हुए हैं, 32 जो प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें 15 प्रोजेक्ट एक ही कंपनी को दे दिए गए, जो ये काम नहीं कर पाई और सबलेटिंग के बाद भी उन्होंने नहीं कर पाए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। सिर्फ अभी तक 15 में से भी 32 में से भी 3 ही प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो पाए हैं। उनसे जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लेनी चाहिए, जिससे कि जिस भी कंपनियों को इस तरह का जो काम, बड़े काम दिए जाते हैं, वो सही ढंग से हो सके, वो भी नहीं ली गई। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को लेकर विधानसभा में पेश रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट से ये साफ है कि निचले स्तर पर विकास के कार्यों में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, सरकारी धन का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कैसे जनता के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की दीमक लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। इलाहाबाद से आलोक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।